नमस्ते दोस्तों, आज आपके लिए लाई हूँ काले चने की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी सब्ज़ी। बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। हस्बैंड को टिफ़िन में दीजिए, ब्रेकफास्ट में बनाइए या फिर डिनर में। ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और लाजवाब बनती है। तो आइए देख लेते हैं इस सब्ज़ी को हम कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे काले चने लिए हैं। लगभग 250 ग्राम काला चना लिया है मैंने और इसे रात भर के लिए हमने भिगो दिया है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप 5 से 6 घंटे इसे गर्म पानी में भिगा दीजिए, तो भी हमारे चने अच्छे से फूल जाएंगे। तो अब हमें चने को उबाल लेना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे चने को 2-3 पानी से अच्छे से धुल के साफ़ कर लिया है। तो अब हम इसे कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो मैं चने के साथ आलू भी डालती हूँ, जिससे चने की सब्ज़ी ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैं चने के साथ ही आलू को उबाल लूँगी, जिसके लिए मैंने कुकर में थोड़ी सी जगह बना ली है बीच में और इसमें ग्लास रख लिया है। और अब हमने आलू को धुल के साफ़ कर लिया है और जितना आलू हमें चाहिए उतना हमने ग्लास में इस तरीके से डाल दिया है। इससे क्या होगा ना, हमारे चने और आलू दोनों ही एक बार में उबल जाएंगे, हमारा समय भी बचेगा और गैस भी बचेगी। तो अब हमें इसमें ऐड करना है पानी, तो मैंने 2 गिलास के करीब यहाँ पे पानी ऐड किया है। पानी आप इतना रखिएगा कि जो हमारा चना है ना वो अच्छे से भीगा हुआ होना चाहिए पानी में। तो इसमें मैंने नमक भी डाला है। सॉरी फ्रेंड्स, कैमरा ऑफ हो गया था तो मैं उसे शूट नहीं कर पाई। तो मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है और अब हमें इसे तेज़ आँच पर 2 सीटी लगानी है। उसके बाद आँच को धीमा करके लगभग 15 मिनट इसे और उबलने देना है। तो चना हमारा उबल रहा है, आइए हम इसके मसाले बना लेते हैं। जिसके लिए मैंने यहाँ 5 से 6 कली लहसुन की ली है, 2 हरी मिर्च ली है, 1 बड़ा साइज़ का प्याज लिया है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। तो चने में ना प्याज का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है, तो आप प्याज थोड़ा ज़्यादा ही रखिएगा। तो इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरीके से पीस लेना है। तो हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में ट्रांसफ़र करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका एक पेस्ट बना लेंगे हम। मसाले हमारे पीस गए हैं और आइए अब हम अपने चने को भी चेक कर लेते हैं। तो कुकर हमारा ठंडा हो गया है, इसका प्रेशर भी पूरी तरीके से रिलीज़ हो गया है। तो देखिए हमारा आलू भी यहाँ पे हो गया है, ये देखिए आलू भी हो गया है। और इसे हम गर्म है ना, तो इसे हम इस तरीके से निकाल लेंगे और अपने चने को भी हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए चना भी हमारा अच्छी तरीके से उबल गया है, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे ना, इस तरीके से कोई एक कलछी लेंगे और इस चने को ना इसी कुकर में इस तरीके से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। इससे हमारा चना गाढ़ा भी हो जाएगा और टेस्टी भी लगेगा। तो आइए अब हम इसके लिए तड़का बना लेते हैं। तो यहाँ तड़का बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है लोहे की कढ़ाई। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई हो तो आप उसे ही यूज़ करिएगा। लोहे की कढ़ाई में ना इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और मैंने यहाँ पे डाल दिया है लगभग 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। तो तेल को अच्छी तरीके से हो जाने देंगे। उसके बाद हमने डाला है 1 छोटा चम्मच के करीब जीरा। जीरा भी हमारा चटक गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे 1 प्याज कटा हुआ, और प्याज को भी हम थोड़ा सा हो जाने देंगे। तो देखिए इसे हम इस तरीके से चला देंगे और लगभग 10 से 15 सेकंड इसे होने देंगे। यहाँ देखिए हमारा प्याज भी अच्छे से हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने मसाला बनाया था ना, प्याज लहसुन अदरक और मिर्ची का, उसे हमें इसमें डाल देना है और आँच को धीमा कर देना है और मसाले को अच्छे से हमें भूनना है। तो हम मसाला तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका पानी जो है ना वो सूख ना जाए। मसाले को हमने भून लिया है और इसमें तेल भी सेपरेट होने लगा है। तो इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे मसाले, जिसके लिए मैंने 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किया है और लगभग 2 छोटा चम्मच डाला है चना मसाला। तो मैंने यहाँ चना मसाला डाला है। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला डालकर भी इसे बना सकते हैं। तो अब हमें सारी चीज़ों को मिला लेना है और अच्छी तरीके से इसे भून लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारा मसाला खूब अच्छी तरीके से भून चुका है। ये देखिए तेल भी इसमें सेपरेट होने लगा है और इसमें एक अच्छी सी महक भी आ रही है। तो अब हमने इसमें ऐड किया है 2 टमाटर कटे हुए और जो हमने आलू उबाला था ना उसे काट के डाल दिया है। और इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है।
आंच को हमें धीमा ही रखना है और अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। तो देखिए हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब थोड़ी देर हम इसे ढक देंगे जिससे कि जो हमारा मसाला है ना वो टमाटर और आलू में अच्छे से मिक्स हो जाए। हमने इसे लगभग 2 से 3 मिनट ढक दिया था और हमारा मसाला टमाटर और आलू खूब अच्छी तरीके से भून लिया है मैंने। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो चना हमने उबाला था ना उसे। फिर से हमें इन सारी चीज़ों को मिला लेना है और एक उबाल आने तक हमें इसे पकने देना है। तो हम पहले अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप भी एक बार इस तरीके से चने की सब्जी बनाकर देखिएगा। मेरी गारंटी है कि आपके घर में इसे सबको बहुत पसंद आएगा। जी हमारी उबल रही है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे क्योंकि नमक मैंने पहले डाल दिया था तो हमने इसमें नमक थोड़ा ही डाला है और इसे फिर से थोड़ा सा पकने देंगे। लगभग 5 मिनट हो गया है। आइए हम अपनी सब्जी को चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारी सब्जी अच्छे से उबल रही है। हम इसे थोड़ा सा चला लेंगे। देखिए कितनी टेस्टी और लाजवाब सब्जी कितनी जल्दी बनाकर मैंने तैयार कर ली। तो बस अब हमें इसमें ऐड करना है बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप इसे चावल रोटी पराठे किसी के भी साथ खाइए, ये काफ़ी टेस्टी लगती है। तो हो गई हमारी सब्जी तैयार। आइए अब हम इसे सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स आप एक बार मेरी तरीके से काले चने की सब्जी बनाकर देखिएगा। मेरी गारंटी है आप सारे तरीके भूल जाएंगे। तो वीडियो में कहीं भी कुछ भी अच्छा लगा हो एक लाइक ज़रूर करिएगा। फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना नहीं भूलिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप चने की सब्जी कैसे बनाते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं एक और नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।